श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि गुरुजी की अगली कथा कल से पावागढ़ में 23 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस कथा का आनंद आप दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। 23 जनवरी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि भी पड़ रही है और साथ में है महादेव का सोमवार। और जैसे कि आप सभी को पता है, सोमवार के दिन की गई पूजन का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। और ऐसे में अगर हम गुरु जी के बताए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमें रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 5 महा उपाय बता रहे हैं, जिनको आपको इस सोमवार को करके पूरा लाभ प्राप्त करना है। सभी उपाय आपको वीडियो में करके बताएंगे और आप चाहो तो 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। या फिर आपको एक से ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है तो आप उतने उपाय कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। गुरु जी ने विषम परिस्थितियों का एक विशेष उपाय बताया है। यदि आपके ये घर में बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन परिस्थितियों के लिए एक विशेष उपाय गुरु जी ने बताया है, जिसे आप इस माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में जरूर करें। अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, सोमवार की अष्टमी के उपाय भी कर लिए हैं, फिर भी आपका अटका हुआ कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो रहा है, मतलब आपने सब प्रकार के व्रत कर लिए हैं, जो भी जिसने बताया है आपने सब कर लिया है, फिर भी जो आपका अटका हुआ कार्य है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, कोई ऐसी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है और जिसका निवारण आपको दिख नहीं रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बाल्टी जल चाहिए होगा, 1 कलश और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको शिवालय में जाना है और 1 बेलपत्र को माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब बेलपत्र आपको ऐसी देखना है कि जो कहीं से भी कटी फटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और बेलपत्र में छेद ना हो, खंडित ना हो, अर्थात बेलपत्र अच्छी और पूर्ण होनी चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं बेलपत्र आपको कहाँ और कैसे अर्पित करना है। बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान वहाँ होता है जलाधारी में, जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। तो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब आप जहाँ बैठकर उपाय कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम उत्तरमुखी होकर पूजन कर रहे हैं, इसलिए बेलपत्र की डंडी आप देख सकते हैं कि किस तरफ है। अब इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 कलश जल अर्पित कर देना है। आपने अपने घर से जो जल बाल्टी में भरकर लेकर आए हैं, उसको इस बेलपत्र के ऊपर कलश से 7 बार में अर्पित कर देना है, मतलब आपको 7 कलश जल उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित कर देने के बाद आपको यह बेलपत्र शिवलिंग से उठा लेना है, निवेदन करके उठा लीजिए और इसे अपने घर में ले जाकर अपने पास रख लेना है। आप इस बेलपत्र को कोई पूजन की जो आपके पास किताब हो उसमें आप रख सकते हैं, कोई आरती हो, कोई चालीसा की किताब हो, आप उसमें पेज के अंदर रख सकते हैं। अब आपको इस बेलपत्र को अपने घर में 11 या 21 दिन रखना है। यदि आप 11 दिन बेलपत्र अपने घर में रख रहे हैं तो 12वें दिन उस बेलपत्र को आपको विसर्जन करना है, या आप 21 दिन अपने घर में बेलपत्र रख रहे हैं तो आपको 22वें दिन उस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। अब आप विसर्जन कैसे करेंगे कि बहते हुए जल में या आपके घर के आसपास या आपके शहर में जो नदी तालाब है वहाँ पर आपको उस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है, या फिर आपके यहाँ नदी तालाब या पानी का स्थान नहीं है, कोई जलाशय नहीं है, तो आपको इस बेलपत्र को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे भी विसर्जन कर सकते हैं। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। गुरु जी ने बताया है इस उपाय को करने से महादेव आपको कितनी भी विकट समस्या क्यों ना हो उससे बाहर निकाल ही लेंगे, यह निश्चित है। गुरु जी की कथाओं में जो पत्र आते हैं उनमें से कई पत्र ऐसे हैं कि उन्होंने इस उपाय को करके लाभ प्राप्त किया है, तो आप भी इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप सोमवार को व्रत नहीं कर सकते हो, कोई पूजन नहीं कर सकते हो, तो आप गुरु जी के बताए अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करके भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बस आप नियम बना लीजिए कि आप प्रत्येक सोमवार को जाकर शिवलिंग में 1 कलश जल अर्पित करेंगे और मनोकामना पूर्ति के लिए आपको जल अर्पित करने के लिए जल को अपने घर से ले जाना है, जिससे वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अपने रसोई घर के परिंदे से जल लेकर जाइए। शिवलिंग में जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है, जो शिवलिंग में जलाधारी के सीधे हाथ की ओर होता है। इसके बाद सदानंद कार्तिक के भगवान के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है, जो शिवलिंग में जलाधारी के उल्टे हाथ में होता है। इसके बाद जलाधारी के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है।
इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों में जल अर्पित करना है और अगर ऊपर जलधारी बंधी है तो आपको उसमें जल अर्पित कर देना है और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद जलधारी से आ रहे जल को प्राप्त करें और अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल का आचमन कराएं, अन्यथा आप उस जल को घर में छिड़काव कर दें। जल अर्पित करने के बाद महादेव से हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और अंत में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दीजिए। महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुने। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसके बाद थोड़ा सा जल आप नंदी भगवान के जो उठा हुआ चरण होता है उसमें चढ़ाइए और जो चौखट होती है थोड़ा सा जल दो बूंद आप उसमें भी चढ़ा दीजिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। रोग मुक्ति या फिर संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को ओम जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम जल शिवलिंग पर कैसे अर्पित करना है हम आपको वीडियो में करके भी दिखा रहे हैं। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश भगवान के स्थान से करते हुए उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान तक अर्पित करना है और इसके बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करते हुए आपको षडानन कार्तिकेय के स्थान पर जल अर्पित करना है। षडानन कार्तिकेय को जल अर्पित करने के बाद वापस आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करते हुए जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती के हस्त कमल है वहाँ पर आपको जल अर्पित गोल कटी भाग से होते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं ओम भी बन गया है। इस प्रकार से ओम जल वाला उपाय करके आप रोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार से जल आपको अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद इस जल को प्राप्त करके उसका आचमन जरूर करें। इस उपाय में शिवलिंग की जलधारी से आ रहे जल को प्राप्त करके उसका आचमन जरूर करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। वैसे ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं पर सप्ताह में एक बार करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है वहाँ पर रोज सुबह सबसे पहले ओम जल ही चढ़ाया जाता है। गुरु जी का बताया गया अगला चौथा उपाय है जो कि विशेष उपाय है। इस सोमवार को आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, ज्यादा कर्जा हो रखा है, व्यापार नहीं चल रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो पूरी लगन से कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो पर उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको ये उपाय करना है। आपको प्रदोष काल के समय शाम के समय सोमवार के दिन शिव पार्वती का जो भ्रमण का समय होता है शाम के समय आपको इन तीन वृक्षों के नीचे एक दीपक लगाना है। ये तीन वृक्ष इस प्रकार हैं। पहला है बेलपत्र, दूसरा है पीपल और तीसरा है आंवला। इन तीन वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक लगाना है। अब कौन से वृक्ष के नीचे गोल बाती लगती है, कौन से वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगती है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाएंगे तो आपको लंबी बाती का दिया लगाना है। धन संपदा को बढ़ाता है, लक्ष्मी बढ़ाता है। बेलपत्र के नीचे जब आप दिया लगाएंगे तो विल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक लगाइएगा, विल्वेश्वर महादेव। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको गोल बाती का दिया लगाना है, गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का दीपक लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया प्रज्वलित करें तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कीजिएगा, पिपलेश्वर महादेव। तीसरा है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दिया लगाना है, धन संपदा को बढ़ाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे जब आप दीपक लगाएंगे तो आपको अक्षेश्वर महादेव का नाम लेना है, अक्षेश्वर महादेव। कम से कम आपको 5 सोमवार ये उपाय करके देख लेना है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कर्जा चुकेगा, लक्ष्मी की आवक होने लगेगी, ये निश्चित है। गुरु जी का बताया गया अगला पांचवा उपाय। अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, आपसे उठने बैठते नहीं बनता है, बहुत ज्यादा तकलीफ है और डॉक्टर ने यहाँ तक कि कह दिया है कि घुटना बदलवाना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, तो आपको गुरु जी का बताया गया ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए होगी और एक लोटा जल होगा। आसान सा उपाय है, ध्यान से समझिएगा। बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, जरा सी भी टूटी फटी कहीं से भी कुछ नहीं होना चाहिए, साफ होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जलधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है, शिवलिंग में जो जलधारी होती है, जलधारी में बीच में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर उस बेलपत्र को आपको उल्टी अर्पित कर देना है और जो डंडी का मुख है बेलपत्री की वो जलधारी की ओर ही रखें। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देना है। अब आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें से आपको 7 बार जल जो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती है वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके 7 बार जल अर्पित कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद जो जल आपके जल कलश में बचा हुआ है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है।
इसके बाद जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे आप अपने जल कलश में झेल लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन उस रोगी व्यक्ति को करा दीजिए जिसको घुटने में दर्द है, तकलीफ है। 5 सोमवार आप ये उपाय करके देख लीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। गुरु जी का बताया गया ये आसान सा उपाय है और पत्रों में भी इस उपाय को किया है लोगों ने, उन्हें लाभ मिला है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।